माय डियर फ्रेंड, नॉलेज विद घनु चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। बच्चे, इसके जितने भी फॉर्मूला है ओनली दो ट्रिक मैं दूंगा और टोटल के टोटल आपके फॉर्मूले पक्के हो जाने हैं। तो प्लीज़ आप अपने नोटबुक और पेन उठा लीजिए हाथों में, और जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उसको नोट डाउन कीजिए और मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप परमानेंट इसको अपने दिमाग में सेट हो जाएगा और कभी भी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चे, आज मैं पहले बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री तीन छोटे छोटे ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है ट्राई मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड और मेट्रोन, मेट्रोन मीन्स मेजर, करने का मतलब तीन साइड का मेजर करने वाला। इसका यूज क्या है बच्चे, कि इसका मतलब है कि आप बिना मेजरमेंट मीन्स हाइट और डिस्टेंस मेजर किए हुए आप उसका हाइट और डिस्टेंस बता देंगे विथ रिस्पेक्ट टू यू। एग्जांपल में कोई भी इमारत हो, बिल्डिंग हो या टावर हो का। तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जो कि आप लोग का इस टाइप से है। बच्चे, हो सके तो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी साइड उसको डिनोट कर दिए हैं हम लोग। ए बी मीन्स बेस, बी सी इक्वल टू हाइट हाइपोटोनिस एंड ए सी इक्वल टू परपेंडिकुलर। जो भी जो वर्टिकल साइड है वो परपेंडिकुलर हो गया। तो बच्चे, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग का मेन फार्मूला स्टार्ट हो गया है। आप लोग इसे अपने कॉपी में 100% नोट डाउन कीजिए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपके माइंड से कभी भी ना निकले। और ट्रिक भी इसी पेज में है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ट्रिक ये है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी टोले, ओनली इस लाइन को आपको याद रखना है। ओनली ये लाइन आप याद रखेंगे, आपकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फार्मूला है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जानी है ओनली एक लाइन से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी टोले। तो दोस्तों, इसको लिख लीजिए इस टाइप से, ऊपर का पंडित का पी, बद्री का बी, पंडित का पी, बटा में हर हर भोले लिखिएगा, हर हर का एच एच और भोले का बी, इक्वल टू सोना चांदी टोले का ए सी टी मीन्स साइन कोस टेन। करने का मतलब साइन थीटा को देखिए एरो से मार्क किया गया है, इसमें साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका पी बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइट। तो परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे हम लोग, ए सी बाई हाइट, हाइट सॉरी हाइपोटोनिस, हाइपोटोनिस क्या हो रहा है एच का बी सी, सो ए सी बाई बी सी। सेम कोस थीटा का आपको क्या लिखना है, बी बाई एच, सेकेंड वाला आ जाएगा। और सेम टेन थीटा का पी बाई बी। आप लोग देखिए दोस्तों, इसमें सारे लिखा हुआ है, आपका छः फार्मूला याद हो गया बिल्कुल, तीन आपका इससे निकल जाएगा। और याद रखिएगा एक बात, कि जो साइन कोस टेन इसका अपोजिट होता है तीन, जैसे साइन का उल्टा होता है, इस बात को आप याद रखिएगा, साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक बन जाता है, कोस थीटा का उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा बन जाएगा, टेन थीटा का उल्टा कर देंगे तो कोट थीटा बन जाएगा। तो सेम देखिए दोस्तों, जैसे साइन थीटा हम लोग निकला है पी बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटोनिस, सेम देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए एच बाई पी मीन्स हाइपोटोनिस बाई परपेंडिकुलर, करने का मतलब बी सी बाई ए सी। सेम देखिए बच्चे, कोस थीटा का क्या होगा, कोस थीटा का सेकेंड वाला हो जाएगा बी बाई एच, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा एच बाई बी मीन्स हाइपोटोनिस बाई बेस। सेम ऐसे ही टेन थीटा का क्या आप देखेंगे पी बाई बी होगा, तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा अपोजिट उसका उल्टा बी बाई पी मीन्स बेस बाई परपेंडिकुलर। छः का छः फॉर्मूला पक्के हो जाने हैं। और बच्चे, इसे प्लीज़ आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, कॉपी में अपने नोटबुक में राइट डाउन करके और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट दूसरे फार्मूला की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। कनिक मतलब ये जो आने वाली फार्मूला है, ये आपको इंजीनियरिंग में 10, 11, 12 सारे में, जो अभी मैं फार्मूला बताने वाला हूँ वो सारे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज आएंगे। सो प्लीज़ उसका अच्छे से देखिए आप। बच्चे, आप लोग एक रेगुलर हेक्सागोनल का शेप बना लीजिए। हेक्सागोनल मीन्स जिसका छः साइड होता है, आप लोग अच्छी तरीके से पता होगा। छः साइड देखिए, हम लोग एक हेक्सागोनल बना हुआ है, मैं बना रखा हूँ इसमें, और इसको नेम मेंशन करेंगे। देखिए, सबसे ऊपर वाली लाइन है साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, फिर इधर में टेन थीटा,
नीचे में हो गया सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा। बच्चे इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और ओनली इतना चीज़ को आपको याद रखना है, ये ट्रिक्स याद रखना है, और सारे सारे फॉर्मूला जो 40 आने वाली फॉर्मूला है ये आप इसी की मदद से पूरे के पूरे आप इजीली बना लेंगे। कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं और ना ही कोई न्यू दिमाग लगाने की ज़रूरत। तो बच्चे अभी सीखते हैं, कोई भी एक आप साइन ले लीजिए, जैसे 10 थीटा ले लीजिए, उसका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है आपको, जो नियरेस्ट अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो होगा दो साइड, उसी का एक साइड के बटा में लिख देंगे, वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो बनाते हैं, 10 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। सेम आप साइन थीटा का निकालेंगे तो उसके दो कौन है, दो साइड नेक्स्ट वाला कोस थीटा बाई कोट थीटा। अगर कोस थीटा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कोट थीटा बाई कोसेक थीटा। सेम अगर कोट थीटा को निकालेंगे तो घूम के आ जाइए, क्या बजेगा बताइए, कोसेक थीटा बाई सेक थीटा। सेम अगर कोसेक थीटा का निकालना है आपको तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बाई 10 थीटा। आप इसे 100% अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए और एक बार प्रैक्टिस कीजिए, पूरी की पूरी आपको माइंड में सेट हो जानी है, और बिल्कुल भी कभी नहीं बोलेंगे। हाँ दोस्तों, एक बार क्लॉकवाइज आप घूम गए हैं, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। सेम है, कोई भी एक उठाइए टर्म, उसके बाद उसका जो दो भी साइड, दो साइड है जो, वो एक का बटे में लिख दीजिए। सपोज कोस थीटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो कोस थीटा का आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो किधर जाएंगे, साइन थीटा बाई 10 थीटा आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस थीटा का साइन थीटा बाई 10 थीटा। सेम साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 10 थीटा बाई सेक थीटा। 10 थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा बाई कोसेक थीटा। ये अपने आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और एक बार इसको समझिए आप। बच्चे क्लास 10 की जो भी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला, बिल्कुल पानी ही पानी है, इसलिए मैं बोर्ड यूज नहीं किया हूँ ताकि आपका वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे। कहने का मतलब, इसमें बहुत सारे यूट्यूबर भाई ने हमारे कम से कम जो टीचर है एडुकेशनल वीडियो बनाते हैं, वो दो दो घंटे की एक एक वीडियो बना रखे हैं इस पर। उतना अगर लंबा बनाए तो फिर बच्चे का टाइम किल होगा, और समझना उतना ही है जितना मैं समझा रहा हूँ। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और बस इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार से ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं, और आपके माइंड में परमानेंट सेट हो जाने। तो बच्चे अब आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरे फॉर्मूला की ओर, उसको भी ध्यान से देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करने का मतलब, आपका कितना फॉर्मूला हो गया, टोटल 6 6 6 मीन्स 18 फॉर्मूला रेडी हो गया। इसको अब देखिए, सेम एक हेक्सागोनल का चित्र बना लेना है आपको, सेम जैसे मैं उसको नोट किए थे, आप जैसे उसका नेम नामकरण किए हुए थे, साइन थीटा कोस थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और 10 थीटा, ये रखनी है। इस हेक्सागोनल का जो भी आप नामांकन कर रहे हैं, इसका याद रखने के लिए ऐसे याद रख लीजिएगा, साइन थीटा 10 थीटा सेक थीटा एक साइड हो गया, और उसका राइट साइड में तीनों सी से जो स्टार्ट होता है वो तीनों सी का हो गया। कहने का मतलब, कोस थीटा कोट थीटा और कोसेक थीटा, ओनली आपका लेफ्ट साइड वाला याद रख लीजिएगा और ये पूरे के पूरे याद हो जाएगा। हाँ अब बच्चे क्या करना है, बच्चे अभी वाली ट्रिक देखिए, इस हेक्सागोनल शेप से, जैसे देखिए दो तीन उठाइएगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म को, जैसे साइन थीटा कोस थीटा और कोट थीटा उठा लिए, उसके बाद जो इसका तीनों का बीच का जो टर्म होगा वो इक्वल में, और वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा। देखिए आपका अब 6 फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा। सेम फिर उठाइए कोस थीटा कोट थीटा कोसेक थीटा को, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कोट थीटा हो जाएगा। फिर देखिए कोट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बीच में है तो इक्वल में हो जाएगा वो, और कोट थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। सेम आप कोसेक थीटा सेक थीटा और 10 थीटा में निकाल लीजिए, तो सेक थीटा इक्वल में आ जाएगा, सो कोसेक थीटा इंटू 10 थीटा इक्वल टू सेक थीटा। देखिए कितना ही सिंपल ट्रिक्स है, 6 फॉर्मूला फिर से आपको याद हो गए, फिर से 6 फॉर्मूला आपको याद हो गए। हाँ दोस्तों, अब देखिए इसके बगल में जो 6 फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे आप लोग जानते हुए कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मीन्स सम इक्वल टू जिसका सम 90 डिग्री हो, ये बात पता होगा आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए क्या ट्रिक्स है, करने के मतलब बच्चे यहाँ पे ट्रिक्स है, जो भी सामने सामने लिखा हुआ है, जैसे साइन थीटा के सामने क्या है कोस थीटा, तो इसका क्या ट्रिक लगाना है, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा और 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। करने का मतलब, जैसे आप कम्प्लीमेंट्री एंगल था तो 90 डिग्री से छोटा चाहिए साइन थीटा निकालने के, अगर साइन थीटा निकालना है तो कोस थीटा ब्रैकेट में लिखिएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा निकल जाएगा। सेम देखिए 10 थीटा का अपोजिट में क्या है, कोट थीटा है, सो 10 थीटा इक्वल टू कोट थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। सेम सेक थीटा का क्या लिखेंगे आप, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। सेम अब फिर अपोजिट कर दीजिएगा,
तीन का तो इधर से ले लिए और तीनों का इधर से ले लीजिए। जैसे कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। बच्चे देखिए फिर से आपके छः फॉर्मूला याद हो गया, कहने के मतलब 18 और इधर का 12, 18 और 12 आपका 30 फॉर्मूला बिल्कुल ही पक्के हो गए। हाँ अब इसी में देखिए एक नीचे वाले जो हेक्सागोनल शेप है उसमें क्या चेंजेस है, ओनली शेप वही है हेक्सागोनल, इसको जो भी क्रॉस है डायगोनल इसका तीनों डायगोनल को क्या है मैं जोड़ दिया हूँ। तो अब देखिए यहाँ से क्या है ना, तो देखिए तीनों डायगोनल को जोड़ दिया हूँ मैं और इसका जो अपोजिट है सपोज़ जो जो डायगोनल से जुड़ा हुआ है इसके बीच में 1 लिख दीजिएगा, वो उसका इक्वल में मल्टीप्लाई उसमें कर देंगे तो इक्वल टू 1 आनी चाहिए। कहने की मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, सेम कोस थीटा इक्वल टू इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, फिर टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। इसको आप प्रूफ करके देख लीजिएगा, वहाँ पर आप वैल्यू डाल दीजिएगा, जैसे ही साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू डालेंगे उसका वैल्यू ऑटोमेटिक कट के 1 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए एग्जांपल में मैं समझा रहा हूँ, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटोनिस, तो पी बाई एच, कोसेक का क्या हो जाएगा उसका उल्टा इंटू एच बाई पी, तो कहने का मतलब इसको डिवाइडेड में इंटू में है इसको कर दीजिए, पी पी कैंसिल हो जाएगा, एच एच कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 आपका आंसर हो जाएगा। तीनों का करके देखेंगे तो दोस्तों आप तीनों को 1 ही मिलेगा आपको, आपका फॉर्मूला प्रूफ भी हो गया। तो देखिए आपका 3 ये भी बन गया। बच्चे लास्ट और इम्पोर्टेंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ जो स्क्वायर यूज करते हैं जिस फॉर्मूला में, वो फॉर्मूला अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ इसको आप बिल्कुल ही कूल माइंड से देख लीजिए और बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा, वो भी आपको 30 सेकेंड के अंदर में 6 का 6 फॉर्मूला वो भी याद हो जाएंगे और टोटल फॉर्मूले आपके पक्के हो जाने हैं। आप इसको प्लीज़ नो डाउन करके और एक एक बार ओनली रिवीजन कर लीजिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पेज की ओर। तो बच्चे इसमें देखिए सेम है, सेम जो भी हेक्सागोनल का चित्र था वो सारे में सेम है, कॉमन ही है, बस हेक्सागोनल का डायगोनल को तीन डायगोनल है तीनों को अटैच कर दिया हूँ। अभी देखिए एक के बाद एक को मैं टच किया हूँ, है ना, एक के बाद एक को स्क्रैच किया हूँ और उसी में क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ पहले, ठीक है। तीनों में तीन निकल गया, साइन थीटा कोस थीटा और 1, बीच में 1 लिख दीजिएगा आप, साइन थीटा कोस थीटा बीच में 1, तीन राइट एंगल ट्रायंगल आपका मिल रहा है, देख रहे हैं ध्यान से आप देखिए, तीनों का एक एक छोड़ के एक को आपको वो करना है, उसमें आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन से पहले घूमिए आप, तीन फॉर्मूला आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज से घूमेंगे, तीन फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। तो चलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो घूमते हैं, तो याद रखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा आपका प्लस का चिन्ह होगा और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो वहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो अभी देखिए हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, फर्स्ट राइट एंगल को लेते हैं, कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा और नीचे में 1 लिखा हुआ है, तो राइट एंगल से घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, और उसी का स्क्वायर कर देना है, बस वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या आ जाएगा क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 निकल गया फॉर्मूला। फिर नीचे वाले में आइए, सेकेंड वाले डायगोनल में क्या है 1 आ जाएगा पहले, स्टार्टिंग है क्लॉकवाइज से घूमेंगे तो बीच से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, दूसरा फॉर्मूला रेडी। सेम तीसरे वाले में आइए, हम लोग घूमेंगे क्लॉकवाइज से घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज से घूम रहे हैं तो देख लीजिए क्या होगा, पहले 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए क्लॉकवाइज से घूमे हैं, तीन फॉर्मूला आपका रेडी हो गया। अब सेम है इसी में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आप घूम जाइए, वहाँ पे ओनली माइनस लगाना है आपको। तो सपोज़ चलिए यहाँ से नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं, 1 कोसेक थीटा और कोट थीटा राइट एंगल से स्टार्ट करते हैं, तो देख लीजिए अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे हम लोग तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 1, तो 1 माइनस कोस वाले में अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ऊपर वाले का, फिर दूसरे वाले का पकड़ते हैं राइट एंगल पकड़ते हैं तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर तीसरे वाले में आ जाएंगे तो देखिए क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे बच्चे अब आपका टोटल के टोटल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10 की फॉर्मूला कंप्लीट हो गई है, और कहीं भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो
प्लीज़ मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है आप लोग को कि एक बार आप प्रैक्टिस इसको ज़रूर कीजिएगा। मैं इसलिए इसको वीडियो बोर्ड पे नहीं बनाया क्योंकि ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमारे सर लोग बना रखे हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर दो दो घंटे तीन तीन घंटे की वीडियो, कोई मतलब नहीं है। कहानी वही है जो मैं बताया हूँ आपको अभी 15 मिनट में, जो मैं बताया हूँ करने का मतलब 2 घंटा में बोर्ड पर वो लग जाएगा टाइम। इसलिए मैं टाइम कम करने के लिए और आप लोग को जितना जल्दी हो सके, आप लोग का टाइम किल नहीं करने के लिए, टाइम वेस्ट नहीं जानी चाहिए आपका, इसलिए मैं ऐसा वीडियो बना। मेरे प्यार बच्चों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड लोग को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये चैनल बिल्कुल भी फ्री है, आप लोग जब भी कोई भी प्रॉब्लम होगा क्वेश्चंस में मेरे पास कॉल कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, मैं आपको सेम टाइम उसका सोल्यूशन बताऊँगा और वो भी बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस आप लोग से मैं नहीं लेने वाला हूँ। और कोई भी क्वेश्चंस में आप लोग का प्रॉब्लम है या कोई भी टॉपिक जो साइंस का हो मैथ का हो जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अगर बोलेंगे आप लोग तो बोर्ड पे मैं समझा दूंगा, नहीं बोलेंगे तो प्रेजेंटेशन बना के उसको मैं एक एक पॉइंट को पकड़ के समझा दूंगा, जो कि बहुत ही ट्रिकी रहेगी और आप लोग को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। हाँ, और जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगा आप लोग से, जो भी टॉपिक ना समझ में आए उसको कॉमेंट में आप लोग लिखिए, मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा डेफिनेटली। और हाँ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कौन सा टॉपिक नेक्स्ट जिस पे वीडियो चाहिए जो आप लोग को थोड़ी सी कठिन लग रहा है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो बच्चे मेरे पास कॉल कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा, आंसर बताऊँगा, उसका सोल्व करने की ट्रिकी वे बताऊँगा, वो भी बिल्कुल फ्री। थैंक यू।